मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। महागठबंधन की सबसे बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में हुई। लालू यादव आज खूब हल्ला बोलते हैं सीएम नीतीश कुमार से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर, लेकिन आज एक तारीफ के बोल भी लालू प्रसाद यादव के मुखारबिंद से निकले, और ये तारीफ जो है वो अपनी बेटी की कर रहे हैं। दरअसल मंच पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद थी, और रोहिणी की तारीफ करते हुए लालू यादव कहते हैं, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पता है कैसे खड़ा हूँ, मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। देखिए और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य पर। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया, और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो, तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए नरेंद्र मोदी के